दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। हर तरफ एक ही खबर छाई हुई है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो अब सभी को पता चल गया होगा कि दिल्ली लिक्विड स्कैम हुआ है, मगर आज इसे डिटेल में और आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर दिल्ली में ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, क्या है नई आबकारी नीति और अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो क्या है सजा के प्रावधान। ऐसे में जानेंगे आज। मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर लेकर एफआईआई, जहाँ मेरे साथ में जुड़ चुके हैं मैं प्रदीप राय हूँ, मैं सीनियर एडवोकेट हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो लेना चाहूंगी वो यही कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी या जिसे हम कहें दिल्ली की नई आबकारी नीति, ये है क्या? देखिए, ऐसा है कि हर सरकारें अपने हिसाब से अपने राज्य का जो कर संग्रह है, रेवेन्यू है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करती हैं। जी। अब उसमें हर सरकार को एक अपना तरीका होता है काम करने का और कई बार उनका पॉलिटिकल मकसद भी होता है। जैसे हर राज्य अपनी पॉलिसी चेंज करती है, यूपी ने भी चेंज किया, पंजाब ने भी चेंज किया, बिहार ने भी चेंज किया, अगर जहां कहीं भी सरकार है। और ये भी एक्साइज पॉलिसी की एक्साइज बिल्कुल बंद ही कर दिया जाए, गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, ये भी एक पॉलिसी है, आप दोनों तरीके से चल सकते हैं। लेकिन इस पॉलिसी में कई बार ऐसा होता है कि जो लक्षक जो शराब के दुकानों के ठेके होते हैं, ये तो एक बहुत ही एक कमाऊ एक संस्था है। जैसे कि हमारे दिल्ली के अंदर पहले ये दिल्ली टूरिज्म के अंदर शराब की दुकानों के ठेके बहुत सारे मिलते थे और बहुत पुरानी जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो इनको देखते थे, वो इनके सीएमडी होते थे, वही इनकी देखभाल करते थे और एक बड़ा हिस्सा जो कर का था, रेवेन्यू का था, वो सरकार के खाते में आता था। ओके। दिल्ली गवर्नमेंट जो पिछली दिल्ली जो सरकार है, इसने रेवेन्यू पॉलिसी को ठीक करने के लिए या जो भी करने के लिए आप कह सकते हैं, उन्होंने इसको चेंज किया। जब आप इसको चेंज करते हैं तो उसमें इनकी एक मंशा होती है कि हम किस तरह से इसको चलाएं जिससे कि हमारा रेवेन्यू बढ़ जाए। जैसा कि उनका विजन डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर वो समझते थे कि 6,000 करोड़ की जगह ये 9,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे। जी, जी। और उसका और शायद ज्यादा भी कमा सकते थे। उसका तरीका ये था कि जितनी दुकानें खुली हुई हैं उतनी दुकानें रहें दिल्ली के अंदर और इसको और इलाकों में जगह जगह इसको बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो उसमें उन्होंने 850 मेरे ख्याल से 849 दुकानें थी जो पहले, उतने ही दुकानों को मान्यता दे करके और उसको एक तरीके से नई पॉलिसी में सेंट्रलाइज कर दिया, एक आदमी को देने की बजाय उन्होंने सोचा कि एक बल्क में इसको एक बड़े पैमाने पे जो एक मेजर बिडर है उसको कर दे और 100 करोड़ की जगह 500 करोड़ की बिड लेकर के आए। कई बार देखिए बिड भी जो बनती है ना, बिडिंग प्रोसेस है, ये भी इसी हिसाब से बनती है कि किसको क्वालिफाई करना है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि अब दिल्ली में जीएमआर एयरपोर्ट है, अभी जीएमआर एयरपोर्ट जीएमआर फ्रैंकफर्ट को मिला था। ओके। ऐसे ही जीबीके एयरपोर्ट है, एक फॉरेन पार्टनर नेसेसरी था आपके लिए, आज जीएमआर में फ्रैंकफर्ट कहाँ है आप बताइए मुझे। आप जब कभी आप इस तरह से काम करते हैं तो नहीं मिलता है। ठीक वैसे ही इन्होंने एक पॉलिसी लेकर के आए, लेकिन उस पॉलिसी में इनको दिक्कत क्या हुई कि बाद में एलजी ने एक प्रोविजन ऐड कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इलाका एमसीडी का है और डीडीए का है तो इन शराब की दुकानों को डीडीए और एमसीडी से परमिशन लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। ओके। और सीधे तौर पर डीडीए और एमसीडी ने नो ऑब्जेक्शन तो दिया नहीं। जब उन्होंने नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो शराब की जो दुकानें 850 होनी थी वो घट करके मेरे ख्याल से 200 के नीचे रह गई और उसकी वजह से रेवेन्यू को 1,000 करोड़ से ऊपर का लॉस हुआ। तो जो 6,000 करोड़ की इनकम थी उन पुराने दुकानों के हिसाब से जहाँ की परमिशन की जरूरत शायद नहीं होती, अब नए तरीके से जब आप दुकानों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जहाँ आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 9,000 करोड़ से ऊपर का होना था, वहाँ शराब की दुकानों की परमिशन नहीं मिलने से आपका जो नंबर दुकानों की कम हो गई और कम होने की वजह से आपकी आमदनी भी कम हो गई। उसमें और भी कई चीजें आई कि जैसे आप एक बोतल के ऊपर आपको एक फ्री मिल जाएगा, लेकिन ये पॉलिसी हर जगह चलती है। उत्तर प्रदेश सरकार में याद होगा आप लोगों को मायावती जी के टाइम में एक पॉलिसी थी कि आप अगर शराब की बोतल खरीदते हो तो आपको नमकीन भी खरीदना पड़ेगा। और वो भी एक पॉलिसी थी। तो आप अभी आप कहें कि साहब नमकीन क्यों बेचोगे, आपकी तो शराब का ठेका दिया है हमने लाइसेंस, आपको नमकीन बेचने का तो दिया नहीं है। लेकिन हर सरकार अपने तरीके से उसको एक बनाने की कोशिश करती है और इस तरीके में अब जैसे आप घर में बनाते हैं कितने लोग, अब अगर आप घर में किसी चीज को बनाया जैसे कि उड़ीसा जैसे स्टेट है वो खाल खाते हैं, वो लोग चावल को बनाएंगे, जमीन के अंदर उसको रख देंगे, एक दिन के बाद उसको खाएंगे, तो फर्मेंटाइज एक होने का एक लिमिटेशन है जिसमें कि जहरीली नहीं होती हो, क्योंकि एक ट्रेडिशन बन चुका है, लोग खाना खाते हैं उसको, खाने का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है उनके। लेकिन अगर यही चीज आप करें मान लीजिए अपने किसी और राज्य के अंदर,
और वहाँ पकड़े जाए तो आपको सजा भी हो सकती है कि आप तो महुआ से कोई शराब बनाता है, कोई कुछ करता है, लेकिन वो नशे की कोई लिमिट नहीं है। तो कई बार सेफ एक जो तरीका है कि नशा करने का भी, क्योंकि एक मान्यता इसकी ऐसी बन गई है कि आप कोई छोटी सी पार्टी हो, पार्टी का मतलब ये लोग मान के चलते हैं कि भाई शराब होगी वहाँ पे। अब आप देखिए बिहार में कितने लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कितने लोग इस तरह की तस्करी कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो गुजरात में कर रहे हैं। गुजरात में मैं तो गया, खैर मैं तो थी टोटलर हूँ, लेकिन मुझे मैंने एक ऐसी खुदतावश पूछ लिया कि क्या यहाँ पे मिल जाती है शराब, तो उन्होंने बोला जी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कोई कोना नहीं है इस देश का जहाँ पर लोग पीते नहीं हो। और कई बार बिहार में लोग एयरपोर्ट से उतरे और प्लेन के बाद जब नीचे उतरे तो वहाँ पर उनके बैग में शराब की बोतल थी, वो अरेस्ट हुए। कई बार लोगों को नहीं भी पता होता है। लेकिन ये जो पॉलिसी है, अब आप केवल मैं इस मुद्दे पे रहता हूँ, केवल दिल्ली के मुद्दे पे, तो कई बार क्योंकि दिल्ली अगर मान लीजिए पूर्ण राज्य होता जहाँ पर एलजी का कंट्रोल नहीं होता तो शायद ये नौबत भी नहीं आती। लेकिन दिल्ली के अंदर एक एक सिस्टम है, जैसे कि आप देखिए अरुणाचल की सरकार है जहाँ पर 371 स्टेट्स हैं, वहाँ की सरकारों में भी एलजी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। और इसके बाद जितने भी लोग हैं, जैसे सरकार चलाते हैं या देखते हैं उसको, कारोबार को देखते हैं, तो गवर्नर के पास वहाँ पर एक क्षमता है जो कानून के द्वारा उनके पास एक अधिकार है कि वो इसको मांग सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ये आपने जो बताया, तो फिर ये एक स्कैम है भी या नहीं? देखिए अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बोलूंगा कि जैसे और सरकारों की पॉलिसियां होती हैं वैसी एक पॉलिसी है ये, जो कि एक अपने हिसाब से उन्होंने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए या जो भी समझ के किया। और कई बार मान लीजिए कि हम एक बात कहते हैं कि उन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही किया, मान लीजिए हम एक तर्क के तौर पे इसको मान लेते हैं जी, तो जो तर्क बीजेपी दे रही है, कोई भी दे रहा हो, मैं उसकी बात नहीं करता। देखिए मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, इसलिए आपको मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा कि बिल्कुल, लेकिन मैं कहूंगा कि मान लीजिए कि कोई भी सरकार हो और ये उसको लेकर के आए, तो क्या उसकी कोई नियत नहीं होती? तो सरकार का कोई और तरीका नहीं होता, उसका कोई एजेंडा नहीं होता? चाहे ट्रांसपेरेंट है सिस्टम की कोई भी चाहे शराब की दुकान खोल सकता है कहीं पे भी, उसके बस का नहीं है, ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी सरकार को देखेंगी, चाहे कि देश के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी कोने में हो, वही चीज एक राज्य में जो स्कैम है वो दूसरे राज्य में स्कैम नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपने बहुत लोगों ने पॉम्बलिन आयल स्कैम सुना होगा। हाँ जी, इसके अंदर हमारे जो पीवीसी थे मिस्टर थॉमस, उनको जाना पड़ गया था, छोड़ना पड़ गया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटा दिया था करप्शन के चार्ज पे। अब ये स्कैम क्या था? मैंने उससे केस को देख रहा था तो मैंने ध्यान लगाया कि आखिर स्कैम है क्या। भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि पॉम्बलिन आयल को इम्पोर्ट किया जाएगा और वो इम्पोर्ट किस रेट पे किया जाएगा वो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया। कई सरकारों ने 2100 रुपए के रेट पे मंगाया, किसी ने 1800 के रेट पे मंगाया, किसी ने 1600 के रेट पे मंगाया, लेकिन केरल सरकार ने 1200 के रेट पे मंगाया। ओके, 1200 के रेट पे मंगाने वाले के खिलाफ अगली सरकार ने चार्जशीट फाइल की, उनके खिलाफ इंक्वायरी की और उनको सीवीसी के पद से जाना पड़ा। लेकिन जिन्होंने 2100 के रेट पे मंगाया उनका क्या हुआ? उनके खिलाफ तो कोई जांच भी नहीं हुई। इसी तरह से जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो पॉलिसी के साथ कई बार आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स भी काम करते हैं और आपकी जो शासन चलाने की क्षमता है वो शासन चलाने की क्षमता कई बार केंद्र और राज्य के समन्वय और कई बार आपके राजनीतिक रसूख के साथ जुड़ी होती है। और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है जब आप काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो आप हेलमेट पहन लेते हैं, अब इन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना, इतनी सी बात है। अगर इन्होंने हेलमेट पहन ली होती तो शायद सर पे बाल नहीं लगती इनके। अदरवाइज सब कुछ वही है और जो इनकी जो पॉलिसी है, मैं अगर मुझसे आप व्यक्तिगत तौर से पूछें तो मैं इसको कोई इस तरह का दोष नहीं पाऊंगा, सिवाय इसके कि एक बाद में एलजी ने एक प्रावधान उसमें ऐड कर दिया कि आप एमपीडी और डीडीए से परमिशन लेंगे। अगर वो नहीं होती, प्रावधान मान लीजिए नहीं होता, तो प्रावधान केवल नहीं होने की वजह से इनके जो रेवेन्यू था वो भी 2-3 हजार करोड़ रुपए बढ़ जाते इनके और इनकी पॉलिसी अच्छी हो जाती। मगर एक छोटी सी बात के लिए ये चीज हो जाती है, आपकी साइकिल को किसी ने हवा निकाल दी तो आपको पंचर साइकिल में पहले पंचर बनवाओ, हवा भराओ, उसके बाद आगे बढ़ो, ये चीज है। तो बाकी तो मैं दिल्ली सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं या फिर उनके जो बाकी इस पॉलिसी से जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं इतना ही कहूंगा कि आप क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है इसलिए बहुत से फैसले हर बार आपको फूंक के कदम रखना चाहिए, और अगर आप फूंक के कदम नहीं रखेंगे तो फिर आपको मुश्किल में पड़ सकते हैं। नहीं, दूध से तो जलेंगे ही, शायद छाछ से भी जलेंगे आप। जी
इसी के साथ एक और सवाल जो मैं लेना चाहती हूँ वो यही कि ये भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करना ये कहा गया है कि जीएनसीटी एक्ट 1991 का उल्लंघन है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 का उल्लंघन है, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन करता है, तो ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा हो जिससे एलजी के साइन हो गए या गवर्नर के साइन हो गए तो ऑर्डिनेंस के रूप में अपने आप ही आ गया। अच्छा, कैबिनेट ने फैसला लिया, गवर्नर ने साइन कर दिया, तो गवर्नर ने जब साइन किया तो अगर मान लीजिए ऑर्डिनेंस नहीं भी हो, दिल्ली पुलिस स्टेट नहीं है, तो भी जो पॉलिसी के अंदर जहां जहां पर आप रूल को डिविएट करते हैं, अगर कैबिनेट के फैसले से हो रहा है फॉर द टाइम बीइंग और बाद में असेंबली के सामने सवाल आए तो आप कर सकते हैं, मगर दिल्ली पूर्ण राज्य है नहीं जी। दिल्ली के अंदर असेंबली के फैसले को भी उसको मान्यता नहीं है जब तक कि गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो उसको दस्तखत नहीं कर गए। अगर इस पॉलिसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के दस्तखत हो गए थे तो ये सिग्नेचर गलत थे या सही थे, ये बात तो फिर वो गवर्नर के परवी में आ गई। गवर्नर के पास तो हक था कि नहीं था, गवर्नर को कब साइन करना चाहिए था, कब उनको साइन नहीं करना चाहिए था, ये बात की है। अगर गवर्नर ने उसको दस्तखत कर दिए उस पॉलिसी के अंदर, तो पॉलिसी गलत तरीके से ही सही वो एक बार से लागू हो गई। जैसे आपको याद होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केसेस, एक बार जी। आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपने कोई पद ले लिया, तो पद लेने के बाद उस पद से रहने के बाद आपको डिस्क्वालिफिकेशन झेलना पड़ा, उसमें कई ऐसे एमपी से जो डिस्क्वालीफाई हुए, जया बच्चन भी डिस्क्वालीफाई हुई, और बाद में उसका एक अमेंडमेंट आया पार्लियामेंट से जिसमें उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में 1950 से लेके और आज तक जितने लोग बने थे उन पदों पर जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था उनको मुक्त कर दिया। जो लोग काम करके जा चुके थे दुनिया से वो भी मुक्त हो गए। तो आपके पास, सरकार के पास ये अधिकार है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में भी किसी पॉलिसी को वो ला सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वहां पर कोई अमेंडमेंट हो तो कर सकते हैं, कोई गलती हो गई हो जो सही तरीके से भी हो वहां भी कर सकते हैं। तो ये जो इस वायलेशन को मैं बहुत ही एक छोटा एरर मानता हूँ, इसको कोई ऐसा एरर नहीं है कि आप इसको पॉलिसी एज ए होल इसको आप कुछ गलती देखें, लेकिन सबसे बड़ी गलती यही है कि आपके पास हक नहीं है वो लागू करने का। आपको सोचने की शक्ति है, मान लीजिए कि आपको सोचने की शक्ति हो, मगर आप उसको क्रियान्वित करने की शक्ति केवल आप में निहित नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो काम करने का तरीका है वो बदल देना चाहिए। जी। आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं उनको अगर आप बता सकें, और अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो इसमें सजा के क्या प्रावधान होंगे इस केस में? देखिए, सजा 7 साल से कम ही है, 7 साल से कम की सजा है, लेकिन बात सजा की नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ आरोप सिद्ध हो जाना, और इस ऐसे मामलों में खास करके जहाँ पर पॉलिसी डिसीजन है, जहाँ पर हियर से है, एक्यूज के स्टेटमेंट से आप किसी को एक्यूज बनाए, तो सजा होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं जी। तो ये तो फॉर द टाइम बीइंग आपका जो हैरेसमेंट है वो तो हो ही जाएगा ना, सजा तो आपको बाद में होगी या नहीं होगी वो तो बात की बात है, बात की बात। आप 2G स्कैम तो बहुत बड़ा स्कैम था, नाम आपने सुना था, तो 2G स्कैम के सारे लोग तो बरी हो गए जी। तो ये कोई केवल कहने के लिए स्कैम होना वो बात पे नहीं जाता मैं, लेकिन आज की तारीख में जो राजनीतिक केसेज होते हैं केवल उनका जो त्वरित जो परिणाम है, जो तुरंत जो असर पड़ता है वो सामने ज्यादा दिखता है, बाद में तो वो होती रहती है चीजें, और कई बार नहीं भी होती जी। तो वो तो बात की बातें हैं। आज जो तुरंत हो रहा है, जो अभी हो रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि आज के 10 साल बाद ट्रायल के अंदर क्या होगा और फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये बात की बात है। थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए। दिस इज एन ABP लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Life podcast. 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 This is an ABP Life podcast.
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Life.